गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अंजलि। सो गाइस आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो आप लोगों को मैंने पहले के वीडियोस में बताया था कि मैं अपने विलेज आऊँगी वेडिंग अटेंड करने के लिए, जो कि वेडिंग थी मेरे मामा जी की एंड सक्सेसफुली हमारी वेडिंग अटेंड भी हो गई है। और आप लोगों को पता है कोरोना के कारण यहाँ पर लॉकडाउन डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, और मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें गांव में, क्योंकि हमारा प्लान था 15 डेज़ का रुकने का, बट ये डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है जिसके कारण हम दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। और आप लोगों को पता था कि मैं अपना जो पूरा सेटअप था दिल्ली में ही रख के आए, क्योंकि 15 डेज़ के लिए मैं नहीं लेके आई पूरा सेटअप। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हाँ विलेज में हमारा जो नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसके कारण मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती थी। और अब तो अपलोडिंग में भी बहुत ही होती है, मतलब 5 मिनट्स की वीडियो इट टेक्स 2 आवर्स टू अपलोड, और बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर करा, और आप लोगों को तो पता ही है कि हैंड से शूटिंग करने में हाथ बहुत ही ज़्यादा शिवर करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज ट्रिपॉड स्टैंड मैं नहीं लाई हूँ, ना अपने साथ माइक लाई हूँ, और ना ही अपने साथ कोई और सेटअप का मैं लाई हूँ अपने पास सामान, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पहली बार शूटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एंड आफ्टर शूटिंग किसी तरह मैं करके जब अपलोड करती हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और इसी के कारण आई लूज़ माई 25 सब्सक्राइबर्स। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एंड इसी अपलोडिंग ना करने के कारण मैं सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुकी हूँ। और आई डोंट नो यार, आप लोग मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो। और आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं विलेज में हूँ फिर भी अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरी हमेशा यही रहती है कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दूं, और विलेज में जितना हो सकता है मैं हमेशा शूट करती हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोग इसे अंडरस्टैंड करेंगे एंड मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं आपको अपनी यूट्यूब फैमिली की तरह मानती हूँ कि आप हो मेरे लिए। सो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना। एंड अभी आप लोगों को पता है कि मेरे पास ट्रिपॉड स्टैंड नहीं है, तो मेरा भाई मेरी वीडियो शूट करेगा, सो हैंड है तो शिवर करेंगे, ये नॉर्मल बात है। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट देना, कमेंट सेक्शन में बताना, और बस मुझे यही बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी थी, मैंने कर ली हैं। सो गाइस आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। सो गाइस इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कॉलिंग एन इंडियन यूट्यूबर। अब आप लोग उस यूट्यूबर को अच्छे से जानते हैं, मुझे उन्हें ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंट्रोड्यूस हम उन्हें कराते हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं, बट उन्हें मेरी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग उन्हें बहुत ही अच्छे से बहुत पहले से ही जानते हैं, और ये हम में से किसी न किसी की फेवरेट यूट्यूबर तो रही ही होंगी। यस गाइस मैं बात कर रही हूँ प्रगति वर्मा की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, और आज मैं करने वाली हूँ उन्हें कॉल। सो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें कॉल करने वाली हूँ तो पक्का ये कोई फेक कॉल होने वाली है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये नंबर जो है ये खुद से मैंने नहीं बनाया, ना ही किसी मेरे फ्रेंड्स का है। तो आप लोग जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप लोगों को बहुत सारे नंबर मिलेंगे, तो यहाँ मैं उस चैनल का नाम नहीं बताने वाली जिस चैनल से मैंने ये नंबर लिया, बिकॉज मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, और मैं किसी के भी चैनल को ये नहीं बोलना चाहूँगी कि ये फेक चैनल है, अच्छा चैनल है, या फिर जो भी है। सो मैं पहली बात किसी को भी हर्ट करने का इंटेंशन नहीं रखती उस वीडियो में, ओके। एंड गाइस ये वीडियो मतलब जब मैंने देखी तो उन्होंने नंबर दिया एंड उस वीडियो को बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ मिले थे। सो अब मैं देखती हूँ कि ये जो नंबर है उन्होंने हमें शो करा था अपनी वीडियो में, ये उन्होंने नंबर हमें सही दिया या फिर गलत, क्योंकि उस व्यूज़ में मतलब उन्होंने जो अपनी वीडियो में दिखाया था वो नंबर तो यही था, एंड मैंने डायल भी कर लिया, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो यही नंबर है। और अब मैंने कॉल करती हूँ, मैंने डायल कर लिया है ये नंबर, अब मैंने कॉल करती हूँ। गाइस अभी मैं कॉल करती हूँ और देखती हूँ ये नंबर लगता है या फिर नहीं। सो अभी भी ये रिंगिंग नहीं कर रहा है, अभी ये मतलब जा रही है रिंग, अभी कॉल नहीं लगा है। एक काम करती हूँ मैं आप लोगों के लिए फ़ोन ना अपने स्पीकर पे कर देती हूँ, एटलीस्ट आप लोगों को पता चले ये नंबर लगता है या नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है,
सो आई मतलब सबसे जो शॉकिंग वाली बात ये है, मैंने जिनका चैनल देखा था ये नंबर लेने के लिए, उनका कॉल उन्होंने अपने व्यूअर्स के लिए ये नंबर शो करा था, बट अभी जैसे ही मैंने ये कॉल करा इसमें ऐसा बोल रहा है कि ये नंबर मतलब ऐसा इनवैलिड, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं उसमें। सो सबसे जो शॉकिंग वाली बात ये लगी कि उनका ये कॉल पिक हुआ था, मतलब कैसे हुआ था मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। उनका मतलब जो नंबर यूज़ में ही नहीं है वो भला नंबर कैसे पिक हो सकता है और आप उनसे बात कर सकते हो। सो ये तो मुझे बिल्कुल ही फेक लग रहा है। एंड अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट नंबर ट्राई करने। सो जो नेक्स्ट नंबर है वो मैंने डायल कर लिया है ना, मैं आप लोगों के लिए अपनी स्क्रीन पे नंबर लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। सो अभी मैंने नंबर डायल कर लिया, लेट्स कॉल और देखते हैं वो उठता है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई लेटर। सो गाइस ये नंबर तो यहाँ पे स्विच ऑफ बता रहा है, बट इससे जो पहले वाला नंबर ट्राई करो वो तो मुझे टोटली फेक लगा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट ये लगा तो सही, एटलीस्ट स्विच ऑफ है बट ये लगा, ये इनवैलिड तो नहीं है। बट एक बार मैं इससे पहले वाले नंबर को एक बार दोबारा कॉल करती हूँ, देखते हैं इसमें क्या होता है। सो ये गाइस अब ये कॉल एंड हो जा रहा, अभी लग नहीं रहा है ये। सो मतलब मेरे को बस सर्च मतलब ऐसा जो है ना कि मुझे देखना था जो नंबर इनका पिक्ड हुआ क्या ये मतलब सच्चे में, क्योंकि भाई प्रगति वर्मा का हर कोई फ़ैन है, हर कोई इनकी वीडियोस को पसंद करता है, हर कोई उनको पसंद करता है। सो आई जस्ट थॉट मैं भी प्रगति वर्मा की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ तो मुझे बस ट्राई करना था कि ये नंबर लगता है या नहीं। सो दोनों नंबर ही नहीं लगे और मुझे समझ नहीं आ रहा उनका कैसे पिक्ड हो गया था, बिल्कुल मुझे तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। सो गाइस आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप प्रगति वर्मा के फ़ैन हो तो इस वीडियो को जल्दी से हिट लाइक एंड कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड मेक श्योर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना। और आज की वीडियो में रखते हैं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।